हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत नायक। आप सबको मेरा नमस्कार। सो कुछ पेरेंट्स मुझे ये बता रहे थे, ये पूछ रहे थे कि किस तरह से गूगल क्लासरूम को यूज़ किया जाए। तो अभी भी कुछ पेरेंट्स की उनका अटेंडेंस नहीं आ रहा है, उनका काम नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है, जब भी मैं आपको कुछ शेयर करता हूँ तो आपको मतलब जो वीडियो शेयर करता हूँ तो मैं आपको गूगल क्लास कोड भी देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ये एक डेमो क्लास है, तो मैंने प्रेप वन क्लास से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे कोड दिया जाए ताकि मैं एक डेमो क्लास कर सकूं। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको डेमो क्लास की जो कोड है ना वो मिल जाएगा। जैसे कि लास्ट में देखो, गूगल क्लासरूम कोड के ऊपर एक कोड है। ठीक है, तो इस कोड को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। मैसेज कॉपी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल क्लासरूम में। कुछ इस तरह का आपको गूगल क्लासरूम में मिलेगा, ये मेन पेज है, बिल्कुल इस तरह का, जैसे ये दिख रहा है ना, बिल्कुल इस तरह का मिलेगा। तो आप इसमें क्या करोगे, प्लस साइन जो ऊपर है ना, देखो राइट साइड टॉप में प्लस साइन है, उसको क्लिक करना है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, ज्वाइन क्लास लिखा है, तो ज्वाइन क्लास में आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा और इस पेज में आपको वो वाला कोड टाइप करना है या फिर पेस्ट करना है। ठीक है, बेटर है कि आप कॉपी करके पेस्ट कर लो, सबसे अच्छा है। उसके बाद फिर आपको ज्वाइन में जाना है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, उसी क्लासरूम में आप ज्वाइन हो जाओगे जिस क्लासरूम में आपका क्लासरूम चल रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो प्रेपोन के नीचे ही मेरा आइकन है, तो आप इसको अपनी आइकन यानी कि बिल्कुल नीचे ही आपको इस तरह से क्लिक करना है, तो आपको एक स्पेस मिलेगा जहाँ के आप लिख सकते हो कुछ भी। तो इसमें क्या होगा, आप देखो, आप अपना अटेंडेंस अगर देना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हो। अपना नाम लिखो, जैसे कि मैं अभी अपना नाम लिख रहा हूँ। रोल नंबर मान लो कि ये 20 है मेरा रोल नंबर, और मैं नीचे लिख सकता हूँ प्रेजेंट। ठीक है, इस तरह से करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भेज सकता हूँ। ठीक है, ये ऊपर जो एरो मार्क आप दिख रहे हैं ना, उस एरो मार्क में आप दबाइए, ये चला जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि मैंने अभी अभी एक प्रेजेंट डाला है प्रेप टू ए टू क्लास में। ठीक है, तो आपको प्रेप टू ए टू क्लास में डालने की ज़रूरत नहीं, जो कोड मैं देता हूँ ना, अगर वो कोड डालते हो तो डायरेक्टली आप क्लास सेकेंड में आप ऐड हो जाओगे, आपका प्रेजेंट आएगा। ठीक है, अगर इसी क्लास में कुछ आप भेजना चाहते हो तो आप डायरेक्टली नीचे जो क्लास वर्क लिखा है ना, वो क्लास वर्क में आप जा सकते हो। ठीक है, क्लास वर्क में जाने के बाद आप ये जो इंग्लिश है ना लिखा हुआ है, इसमें आप क्लिक कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आपको कुछ इस तरह का पेज मिलेगा। ठीक है, तो इंग्लिश इंग्लिश नाम का पेज मिलेगा, या फिर जो भी क्लास आप कर रहे हो उसका पेज मिलेगा। तो उसमें दबाने से आपको बिल्कुल इस तरह से और एक पेज आपको अपीयर होगा जिसमें योर वर्क लिखा है। नीचे देखिए योर वर्क लिखा है, इसमें क्लिक कीजिए आप, तो आपको बिल्कुल इस तरह का कोई पेज आपको मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ऐड अटैचमेंट। अगर आप कुछ भेजना चाहते हो मुझे, आप कोई काम भेजना चाहते हो, तो इसमें प्लस साइन में आपको ऐड करना है, और आपका टेक फोटो, ये आप देख सकते हो, आपने अगर कोई फोटो खींचा है तो आप फोटो आप भेज सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली कैसे भेज सकते हो, फाइल में जाके आपको भेज सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर वीडियो रिकॉर्ड करना हो या फिर फोटो करना हो या फिर डॉक्यूमेंट्स अगर है कोई, ठीक है, या फिर स्लाइड्स है, पीडीएफ है, आप इसमें से कुछ भी क्लिक करके आपको जो भेजना है वो भेज सकते हो। तो अभी मैं फोटो भेज रहा हूँ, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ध्यान से देखो फोटो कैसे भेजा जाता है। आप ये कैमरा जो आइकन है ना, टेक फोटो लिखा हुआ, इसमें क्लिक कीजिए।
तो आपको कुछ इस तरह से आएगा। तो आप पहले तो फोटो लीजिए, इस तरह से आपका फोटो क्लिक हो जाएगा। उसके बाद ये जो राइट मार्क है ना, टिक मार्क है, उसको दबाइए। ये ऐड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, ये ऐड हो गया। अगर आपको और भी कुछ भेजना है तो आप सिंपली वही काम कर सकते हो, जैसे कि फिर से आप ये प्लस साइन दबाओ, फिर टेक फोटो करो और आप इस तरह से और एक काम को आप भेज सकते हो। मैंने इसका फोटो खींच लिया, फिर इसको टिक मार्क दबाने से ये बिल्कुल अटैच हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन अटैच हो जाएगा। ये देखिए अटैच हो गया। फिर क्या होता है कि इसमें हैंड इन दबाना है, ये हैंड इन, ठीक है। अब इसमें हैंड इन दबाना है, ठीक है। ये हैंड इन मैंने दबा दिया तो ये हो गया सबमिट, ठीक है। अगर इसको कोई कारण हो गया, आपको इसको हटाना है, तो आप ये अनसबमिट दबा सकते हो, अनसबमिट दबा सकते हो। और उसके बाद आपको दो इनटू मार्क्स आएंगे, उसको आपको क्या करना है, उसको क्लिक करना है, तो आपको वो डिलीट हो जाएगा। फिर आप फिर से दूसरे फोटोज डाल सकते हो। तो इसमें क्या है, आप कोई प्राइवेट कमेंट भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे डाल रहा हूँ, सर दिस इज द इंग्लिश वर्क एंड दैट इज बिलोंग्स टू द विंड एंड द सन। ठीक है, इस तरह से करने के बाद आप इसको सेंड कर दो और ये टोटली सेंड हो जाएगा। तो आपका वर्क भी मेरे पास पहुंच जाएगा और आपका सारा जो अटेंडेंस भी है वो भी मेरे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, सो अगर देखना चाहें तो मेरा, आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरा अटेंडेंस भी आ गया। ठीक है, इस तरह से क्या हो सकता है, आपका अटेंडेंस एंड वर्क दोनों मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दो तीन बार आप इसको देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा, आ जाएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ मुझे एक मैसेज करो या फिर कॉल करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, थैंक यू।